आशा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोश खबर कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे विकास की। और विकास का क्या कनेक्शन है प्रेम के खिलाफ जंग छेड़ती सरकारों से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपसे कि किस तरह से हमारा देश और देश के कुछ राज्य खास तौर से बलात्कारी संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करने वाले राज्य बन रहे हैं, रेपिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। इन सब के बीच आखिर क्या कोई कनेक्शन है या ये सब अलहदा घटनाएं हैं? जहां तक हमें लगता है, विकास की यात्रा जिस निगेटिव पायदान पर खड़ी हुई है उसका सीधा सीधा ताल्लुक है केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारों द्वारा प्रेम को अपराध में तब्दील करने की साजिश से। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि विकास का क्या हाल है। वही विकास जो 2014 में सबसे बड़े चुनावी जुमले में तब्दील हुआ था, आज एशिया के संदर्भ में, एशिया के जितने देश हैं उसके संदर्भ में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे पता चलता है कि नेगेटिव ग्रोथ में भारत अव्वल नंबर पर है। 10.3 की नेगेटिव ग्रोथ, -10.3 की नेगेटिव ग्रोथ भारत में दर्ज की गई है विकास के मायने में। और आस पड़ोस को देखिए, बांग्लादेश 3.8 और पाकिस्तान, जिसे हम यदा कदा हर एक को पाकिस्तान का टिकट भेजते रहते हैं, वहां पर 0.4 है विकास दर। चीन, जिससे जब देखिए तब हम लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं, लद्दाख में, लेह में हमारी पूरी की पूरी रणनीति बिल्कुल दूसरे ढंग से चल रही है, वहां पर 1.9 की विकास दर इस दौरान दर्ज की गई। और ये जो पेंडेमिक है कोरोना, जिसके वजह से लोग बता रहे हैं, भक्तगढ़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा महान मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी वजह से ही भारत में रसातल आया है, विकास दर निगेटिव गई है। तो आइए उसमें भी हम एशिया के देशों का आकलन कर लेते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों की आबादी पर 17 नवंबर तक भारत में मरने वालों की संख्या थी 95। पाकिस्तान में 32, चीन में 3। ये आंकड़े हमारे आपके नहीं हैं, यह आंकड़े तमाम अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से लेके जो आर्थिक सलाहकार हैं, इन सब ने इसे पब्लिक डोमेन में डाला है, सार्वजनिक किया है। यह आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम है वो आखिर क्यों लव जिहाद जैसे एक फर्जी फिनोमिना, फर्जी प्रवृत्ति में तब्दील होता है। तमाम राज्य सरकारें इस समय अपनी प्राथमिकता में प्रेम के खिलाफ जंग छेड़ने पर उतारू नजर आती है। अब आप देखिए क्या अजीब इत्तेफाक है कि ऐसे समय, जिस समय प्राथमिकता बहुत कुछ हो सकती थी, उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम राज्य सरकारों की प्राथमिकता है प्रेम में डूबी हिंदू लड़की को निशाने पे लेने की। जी हां, यहां निशाने पर कोई और नहीं है, यहां उन्हें चिंता सिर्फ हिंदू लड़कियों के दिमाग की है। वह मान के चलते हैं कि हिंदू लड़कियां दिमाग से नहीं सोच पाती, कमजोर होती हैं बेचारी, इतनी कमजोर कि मुस्लिम लड़के उन्हें बरगला लेते हैं, फुसला लेते हैं, फंदे में फांस लेते हैं। अलग अलग शब्द हैं, ये तमाम सरकारी शब्द हैं, मंत्रियों के शब्द हैं। और इन बेचारी अबला हिंदू लड़कियों को नौजवान चार्मिंग मुसलमान लड़कों से बचाने का काम इन सरकारों ने उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो बकायदा घोषणा भी कर दी है कि वह अगले सत्र में
लव जिहाद तथाकथित लव जिहाद पर कानून लाएगी। ऐसे लव जिहाद पे जिसके बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक में एक भी प्रमाण पेश करने में तमाम सरकारें विफल रही हैं, उस प्रेम के खिलाफ, लड़की की अभिव्यक्ति के खिलाफ, उसके चुनाव के अधिकार के खिलाफ यह सरकारें कानून ला रही हैं। मध्य प्रदेश ने बताया कि 5 साल की सजा होगी, सिर्फ सजा लड़के को ही नहीं बल्कि इस प्रेम में जिन लोगों ने मदद की उनको भी होगी। यानी पूरा का पूरा माहौल एक दूसरे ढंग का उन्माद प्रेम के खिलाफ फैलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लड़कियां प्रेम कर रही हैं, अपना चुनाव कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, पहले ही कानपुर में जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, 2-3 घटनाएं जो हुई थी जिसमें कि जो महिला जो लड़की थी वो सामने आके उन्होंने बोला कि यह चुनाव उनका अपना है, लेकिन वहां पे निर्देश पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को दे दिए गए कि इस तरह की तमाम घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाह इस समय रडार पर है। बेचारी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास इस समय कुछ और काम नहीं है। कर्नाटक में भी सरकारें इसी दिशा में बढ़ रही हैं। और देखिए, यह सब उस समय हो रहा है जिस समय तमाम राज्यों से बलात्कार की खौफनाक हौलनाक घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। लड़कियां लड़ी नहीं रही हैं, जान गवा रही हैं। लड़कियां लड़ते लड़ते जलाई जा रही हैं। 17-18 दिन तक वे जली हुई अवस्था में लगातार एक ही बयान दे रही हैं। यह वीडियो आपको दहला सकते हैं, यह वीडियो मुझे दहला रहे हैं, लेकिन यह वीडियो इस समय हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये वीडियो देखे जाने चाहिए, दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि इन वीडियो में आप पाएंगे कि लड़कियां मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन में बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। हम बुलंदशहर की उस नाबालिग बच्ची की बात कर रहे हैं जो दलित समुदाय से आती है। 3 महीने पहले अगस्त में बलात्कार होता है, परिवार बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होता है, मामला आगे बढ़ता है और पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है आरोपियों को बचाने में। दिन दहाड़े आरोपी के परिवार वाले इस लड़की के घर आते हैं, उसे जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। लड़की दम तोड़ती है दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में। मरने से पहले वह जो बयान देती है वह हम सबके सामने है। वह देती है कि पुलिस बचाना चाहती थी आरोपियों को। यह आलम उत्तर प्रदेश का है। ये कौन बिरादरी का था? वो वहां गए धामनी के। धामनी के? तुम्हारे गांव का नहीं था? ना। अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? क्या पहला केस चल रहा? काय का? छेड़छाड़। छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था, उन्हीं से चल रहा था। और देखिए एक के बाद एक कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं हम आपके सामने शेयर करें, लेकिन अयोध्या की जो लड़की ने किया उसकी हिम्मत की दाद हम सबको देनी चाहिए। अयोध्या राम की नगरी, जहां रामराज पूरा का पूरा योगी सरकार लाने पे तुली हुई है, उसकी जिंदा मिसाल यह लड़की है जो बताती है तमाम दबावों के बावजूद कैमरे पर आकर अपना विरोध दर्ज कराती है। वह बताती है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, किन लोगों ने बलात्कार किया, और जब थाने में उसे दोबारा बुलाया गया किस तरह से पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बर्बर सुलूक किया। उसे जूतों से मारा गया, उसे बेल्ट से मारा गया। यह है योगी सरकार का रामराज। सर, यह घटना लगभग 1 बजे की है। हम वहाँ लैट्रिन गए थे, वहाँ पर बैठे थे, पीछे से खुरखुराने की आवाज आई और जब पीछे मुड़कर देखी तो वो विशाल था और वो हमारा चेहरा दबाकर पीछे की ओर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। जब मुझे वहाँ पटक दिया तो हम देखे महेंद्र भी साथ में था। उसके बाद हमारे साथ गलत हुआ,
गलत काम हुआ और हम भी होश पड़े थे और इसके बाद मुझे नहीं पता है। उसके बाद जब थाने पे अपनी बात रखने के लिए गए थे तो थाने पे क्या हुआ था? सर हम अपना बात सही बता रहे थे जो मैम पूछ रही थी। सर जो वो पूछ रही थी हम वही बता रहे थे, लेकिन उनको हमारे विश्वास हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। फिर वो मुझे मार रहे थे, जो पूछ रहे थे मुझे उल्टा सीधा कहना चाहते थे, लेकिन हमने जो हमारे साथ हुआ है वही हम बता रहे थे, लेकिन उन्हें हमारे बात पे यकीन नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो हमें मार रहे थे, अपना पैर भी उठाकर जूते से भी पट्टे से भी मार रहे थे। एक और घटना बुलंदशहर से जो सामने आई है, वह घटना बताती है कि मजहब कुछ भी हो, किसी भी धर्म की लड़की हो, किसी भी धर्म का बलात्कार करने वाला हो, पुलिस प्रशासन और समाज एक ही ढंग से सुलूक करता है। यहां इस लड़की ने कानून की पढ़ाई कर रखी थी, LLB थी यह लड़की, उसकी आंखों में वकील बनने के सपने थे, पूरी कोशिश कर रही थी कि वह किसी तरह से आगे बढ़कर अपना और अपने घर वालों का भविष्य संवारे। उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, मुस्लिम लड़की है, बलात्कार करने वाले भी मुस्लिम है, पुलिस का रवैया वही का वही रहता है, और आप पाते हैं कि फाइनली यह लड़की आत्महत्या करती है। आत्महत्या से पहले जो ये सुसाइड नोट छोड़ के जाती है, वह इस सभ्य समाज पर और योगी सरकार की चेहरे पर तमाचा है। यह कह के जाती है, इसमें लिखा है इस लड़की ने, कि मैं जिंदा रहना चाहती थी, मेरे अंदर बहुत हौसला था, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अगर दोषियों को सजा हो जाती, अगर कम से कम उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो मेरा मनोबल जिंदा रहने का करता, लेकिन पूरा समाज, पुलिस, कोई मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं और मैं इतना अपमान झेल नहीं पा रही हूं। इस अकेली लड़की के साथ हम और आप और हमारा समाज खड़ा नहीं हुआ और यह लड़की हमारे चेहरे पर तमाचा मारकर इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को रेगिस्तान में तब्दील हो रहे उत्तर प्रदेश को बिहार में लोग कैसे याद कर रहे हैं, यह फोटो देखिए। इस फोटो में एक मां बैठी हुई है, यह फोटो बिहार की है, वैशाली की, सामने बच्ची की लाश है और वहां पर इस महिला ने जो पोस्टर लिया हुआ है, जो हाथ से लिखकर वह बैठी हुई है विरोध दर्ज कराने के लिए कि बिहार को उत्तर प्रदेश मत बनाइए नीतीश। यह लड़की, इस लड़की की जो लाश रखी हुई है, इसके पीछे इनकी मां बैठी है, बहन बैठी है, ये पिछले 17-18 दिनों से कोशिश कर रही थी अपनी बच्ची के साथ, जिन्हें आरोपियों ने जिंदा जला दिया था, किरासन डाला था सबके सामने। क्यों? क्योंकि वह छेड़खानी करते थे, वह उन्हें सताते थे और इसका विरोध यह लड़की, यह बहादुर लड़की कर रही थी। इस महिला की वेदना सुनिए आप, यह कह रही हैं कि जब वह तंग कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनकी बच्ची को घसीट रहे थे, तब भी बचाने पुलिस प्रशासन नहीं आया। हाँ, कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ? ये हमारे लड़की को छेड़खानी किया, हमारी लड़की इनकार कर गई, इसी वजह से मिट्टी तेल छिट करके आग लगाया रोड पर। लड़का का नाम सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय, एक लड़का और चंदन कुमार राय, उसके पिताजी का नाम विजय राय। अभी हमको इंसाफ चाहिए, 17 दिन हो चुका, कोई इंसाफ नहीं हुआ। और जब उन्होंने विरोध किया इस बच्ची ने, तब उसे जला दिया गया सरेआम। लड़की 17-18 दिन तक जली हुई अवस्था में लड़ाई लड़ती रही अस्पताल में, लेकिन एक व्यक्ति भी पकड़ा नहीं गया। हालांकि इस लड़की ने कैमरे के सामने बयान दिया, खुलकर बताया कि जलाने वाले कौन थे।
इसके साथ बदतमीजी करने वाले लोग कौन थे। यह हाल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में आपकी और हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी पे लुझन की आग लगा दिया। महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए सामने आने वाले लोगों में वे लोग कतई नहीं हैं जो प्रेम के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो प्रेम को जिहाद में तब्दील कर रहे हैं। और यह बात आप और हम और आप जितनी जल्दी समझ जाएं, उतनी ही जल्दी शायद हम महिला सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। माहौल बहुत तेजी से बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इसका सीधा कनेक्ट है कि एक ऐसे मुद्दे को केंद्रीय राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील करना जो कहीं से भी मुद्दा नहीं है। जितनी घटनाएं हमने आपके सामने रखी इन पर कोई नेता ट्वीट करता हुआ नहीं दिखाई देता। हमें अपने प्रधानमंत्री दिखाई तो देते हैं अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग परिधानों में। कभी वह सेना के टैंक के ऊपर होते हैं, कभी उन्होंने टोपी लगाई होती है, कभी उन्होंने जैकेट पहना होता है, सब कुछ होता रहता है, तोते उड़ाए जाते रहते हैं। लेकिन जो केंद्रीय एजेंडा है कि किस तरह से विकास की जो निगेटिव ग्रोथ है इसे रोका जाए, किस तरह से कोरोना को रोका जाए और किस तरह से इस बलात्कारी संस्कृति पे रोक लगाई जाए, यह कहीं से भी एजेंडा नहीं बनता और नहीं बनने दिया जाता। यह समझना शायद आज की तारीख में हम सबके लिए बेहद जरूरी है। दो और अहम खबरों पे चर्चा जरूरी है। पहली खबर मेघालय से आई है। मेघालय में बहुत ही तेज तर्रार ईमानदार पत्रकार संपादक हैं पैट्रिसिया मुखिम, जो शिलोंग टाइम्स की एडिटर हैं। उन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और मीडिया का जो पूरा का पूरा जगत है जानता है कि वह सच के लिए किस हद तक लड़ाई लड़ती हैं। उन्होंने एक बहुत दुख भरा पत्र लिखा। यह पत्र उन्होंने लिखा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को, जो संपादकों का एक समूह है भारत में। उन्होंने इस संस्था से इस्तीफा दिया। उन्होंने यह पत्र लिखा इस संस्था की नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नाम, सीमा मुस्तफा के नाम। और इस पत्र में उन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाया, बहुत ही बुनियादी, जिसकी चर्चा हम अपने तमाम एपिसोड्स में करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि अर्णब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के हैं, उन पर जब उनकी जब गिरफ्तारी होती है, उनकी गिरफ्तारी जब आत्महत्या से उकसाने से जुड़े हुए मामले में होती है, तब तो एडिटर्स गिल्ड तुरंत आ जाता है उनके बचाव में, बयान जारी करता है। लेकिन पैट्रिसिया जो वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं इंसाफ की, जो उन्होंने एडिटर्स गिल्ड को पत्र भी लिखा था समर्थन के लिए, उनके पक्ष में 2 लाइन यह एडिटर्स गिल्ड क्यों नहीं लिखता। यहां हम आपको बता दें कि 4 जुलाई 2020 को पैट्रिसिया ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से कुछ नकाबपोश लोग बास्केटबॉल खेलने वाले 5 नौजवानों के ऊपर हमला करते हैं। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री और जो वहां की जो लोकल बॉडी के अध्यक्ष हैं उनसे अपील की थी कि ऐसे दोषियों को पकड़ा जाए। यह पोस्ट उनके लिए जानलेवा हो गई, सारा का सारा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया। अदालत तक ने, वहां के जो हाईकोर्ट है उसने तक उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्होंने दरवाजा खटखटाया इस संपादकीय ग्रुप का, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का, और उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें राहत मिलेगी, कम से कम समर्थन में तो यह गिल्ड उतरेगा ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहां पर वह वही सवाल उठाती हैं कि जब सत्ता से जुड़े हुए लोगों पर किसी भी तरह का हमला या किसी भी तरह का सवाल उठता है तो सारे के सारे लोग उतर आते हैं, लेकिन जब भारत के बाकी इलाकों के पत्रकार मदद की मांग करते हैं तब यह उपेक्षा क्यों की जाती है। और एक दूसरी खबर जो बहुत परेशान करने वाली है वह यह है कि वरिष्ठ कवि, क्रांतिकारी कवि वरवरा राव मृत्युशैया पर हैं और
अंततः मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि वह मृत्युशैया पर हैं, उन्हें जेल से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया जाए और परिवार वालों को मिलने दिया जाए। हम और आप सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय से उनके इलाज के लिए मांग हो रही थी। वरवरा राव को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया, उनकी उम्र 81 के करीब बताई जाती है। ये सारा का सारा जिस समय हो रहा है, ये परिदृश्य बन रहा है, उस समय हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए पर्सनल लिबर्टी, निजी स्वतंत्रता राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, और वहीं जिंदगी भर लिखने वाले लोगों के लिए या फादर स्टेन स्वामी जैसे लोगों के लिए यह पर्सनल लिबर्टी कोई मुद्दा नहीं बन पाता, कहीं से उन्हें राहत नहीं मिल पाती। ये जो देश है, जिस तरह से एक युद्धोन्माद में धकेला जा रहा है, एक अलग ढंग का वितान बनाया जा रहा है, इस पर हम सवाल उठाते रहेंगे आपकी मदद से। आपसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए खोज खबर न्यूज क्लिक। शुक्रिया। Thank you.